तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से आपको पैकिंग मटेरियल मिलेगा बेसिकली। तो हाउ टू गेट पैकिंग मटेरियल के ऊपर वीडियो होने वाला है। देखो पैकिंग मटेरियल क्या होता है, फ्लिपकार्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट को पैक करके दोगे, आप किसी भी आड़ी तिड़ी पन्नी में पैक नहीं कर सकते। एक दो बार चल जाएगा मगर लॉन्ग टर्म में वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ऑर्डर टाइम में आके आपको गेट पैकिंग मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो ऑप्शन मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है, दूसरा है फ्लिपकार्ट, फेसबुक या अमेजोन। अमेजोन खुद में ही पैकिंग मटेरियल का बहुत बड़ा हब मिल जाएगा आपको बेसिकली, और फ्लिपकार्ट पे भी। मगर रेट की वाइज करी जाए तो अमेजोन पे ज़्यादा अच्छा है। आप बोलोगे यार फ्लिपकार्ट के अंदर ही अमेजोन की बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है, क्योंकि यार जहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा बेसिकली आपके लिए रिगार्डिंग चाहते हैं तो वो चीज़ आप देखोगे। अब ये कितने तरीके का पैकिंग मटेरियल है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसको स्टडी करेंगे, इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप आपके यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके इधर क्या चीज़ चलती है। देखो आप महाराष्ट्र के हो, अगर आप महाराष्ट्र के होकर देख रहे हो या गुजरात के होकर देख रहे हो तो आपको सिक्योरिटी बैग्स में नहीं जाना, क्योंकि आपके इधर वाले बहुत इशू करेंगे, ठीक है। वो सिक्योरिटी बैग्स को बेचने नहीं देते, ये सिक्योरिटी बैग्स के पीसेज हैं और ये साइजेस है 6x7, तो 6 हाइट होगी 7 लेंथ होगी, इस तरीके का यहाँ पे साइजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको फिजिकल भी एक बार दिखा दूंगा, ये कुछ यूनिक साइज होते हैं, ये रेगुलर साइज होते हैं। अब रेगुलर साइज में आपको कितने पीसेस चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे 500, तो 500 पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। मतलब के ये 500 बैग्स कितने रुपए के दे रहा है, यहाँ पर आप पिन कोड डालोगे जैसे 46008 जैसे आप बाय करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसमें कोई शिपिंग नहीं लग रही, तो मतलब ये इतने रुपए के 500 पड़ेंगे। मतलब ये आपने कैलकुलेटर अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, तो ये 392 डिवाइड 500 मतलब 70 पैसे, 75-78 पैसे का एक पड़ा, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम इसको 2000 वाले क्वांटिटी पे जाएंगे तो ये कितने रुपए का पड़ेगा, 1228 डिवाइड 2000, तो ये थोड़ा इजीली पड़ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट ने अभी आपको क्या बोला, आपने से ये बोल रहा है वो कि आप हमारी ही ब्रांड की पैकिंग ले रहे हो। ये सारे कितने किसके हैं, फ्लिपकार्ट के खुद के ब्रांड की पैकिंग है। इसमें फ्लिपकार्ट भी छपा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें छपी हुई हैं, बाय बैग भी छपा हुआ, सारे X2Z, ठीक है ना। मगर इसके अलावा भी आपके पास पैकिंग ऑप्शन होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर जैसे कोरोगेटेड बॉक्स आ जाता है, ये बॉक्स बना हुआ मिलता है जैसे, समझ लो आप। तो ये 3 डायमेंशन मिलता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब के तीन दो तरीके का पूरा सिस्टम होता है, दोनों साइडेड इसके टेप लगते हैं, ऊपर भी टेप लगेगा नीचे भी टेप लगेगा, और ये पूरा सिमिलर बना हुआ आता है। इसमें काफ़ी सारे साइजेस आपको मिल जाते हैं बॉक्स के, क्योंकि कई सारे सेलर्स होते हैं जो माल बना रहे होते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या होता है, नॉर्मल बंदे ही होते हैं इसी तरीके के, ये साइज को आप ये ऐसा बॉक्स बना हुआ है, ये इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा। तो ये कई बार इस पिक पे मत जाना, आपको लगेगा ये इस पिक का साइज है, आप पिक के साथ ऑटोमेटिकली डायमेंशन को नापो और देखो कि आपका सामान कितने डायमेंशन का है, उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं पैकिंग से, मगर जिस जगह पे पॉलीथीन नहीं चलती उनको यही चलाना पड़ता है। अब ये 5-6 हज़ार रुपए के हैं, मोटा मोटा अगर लगा लिया जाए तो 30-1 रुपए का, 30-15-20 रुपए ऐसा पड़ता है ये। इसके बाद अब क्या देखा जाता है, मिल्ड फॉक्स है ना। अब ये क्या होता है, होता तो ये भी कोरियर है, मगर इसकी इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ये थोड़ा सा अपने आप को साइज बाय चेंज कर लेता है। अब देखो ये इसका नाप कैसा होता है, ये बनाया तो गया है 7.5-4-3 के लिए, मगर 3 की जगह पर अगर 2.5 का भी होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरीके से काम करता है। 2 का होगा तो और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा। कई बार इस तरीके की चीज़ें आपको मोबाइल एसेसरीज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैंगे वेब टैप, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कुछ इस तरीके के आपको टैब देखने को मिल जाते हैं, ओपनिंग टैब बोलते हैं जैसे यहाँ पर, है ना। पर ये किसी ज़्यादा खास काम आते नहीं है, इनके अंदर बिल्कुल मत उतरो, मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। स्टिकर्स पे भी आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं जाना, आप प्रिंटर से काम चलाओ। फ्लिपकार्ट टैब आप ले सकते हो, ठीक है, पर ये तो हो गई फ्लिपकार्ट की बात ना, जेन्युइन चीज़ क्या है यार, ये भी तो समझो। यहाँ पर अगर आप COURIER PACKING पैकिंग, मैं आपको प्रेफर क्या करूँगा स्टार्टिंग में वो बता रहा हूँ। देखो आपको स्टार्टिंग में धंधा करना है और करना तीनों पे, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे, तो आप ऐसी चीज़ लो जिसका यूज़ आप सब में कर सको। तो आप लो वाइट कोरियर पैकिंग, इसमें नाम नहीं होगा किसी का, ये आप अपने लोकल मार्केट से भी ढूंढ सकते हो और आप बेसिकली ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑनलाइन स्टार्टिंग में 100-200-300 पीसेस मंगवा लो, साइज नाप देख के अपने हिसाब से, उसके बाद जाके अपने लोकल मार्केट में ढूंढो, प्रोसीजर यही होता है, ठीक है। हमारे अगर 1000 ऑर्डर्स भी आते हैं ना तो फ्लिपकार्ट की पैकिंग जहाँ पे हमको
70 पैसे की पड़ा रही है, तो ये चीज़ हमको 40-50 पैसे की पड़ती है। तो जहाँ पर हमारा कॉस्ट बच रहा है, अगर हमारा दिन में 1000 ऑर्डर आ रहा है मल्टीप्लाई 30 दिन, कितना हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई 0.25, कितने पैसे बचाए, सिर्फ 0.25 से 7,500 रुपये, कम नहीं होते भाई। तो इसलिए आपको इन पैकिंग्स पे जाना मेरे हिसाब से प्रेफर करता है। इसी हिसाब से टेप की बात करी जाए तो वाइट टेप चलाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जो इकोसिस्टम बनाएंगे, फ्लिपकार्ट का कोर्स नहीं बेच रहा हमारे को, है ना, या फ्लिपकार्ट पे माल नहीं बेचना हमको, तो हमारा ब्रांड बनाना है। तो वहाँ पर आप कब बना पाओगे, इस पेज पे या इसके ऊपर हमको अपना लेबल लगाना है या इसको हमारे नाम से छपवाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं बोलूंगा मैं अपने नाम से छपवाना, स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना टेप लगा सकते हैं, अपने नाम से टेप छपवाओ। कहाँ से छपवाओगे, जैसे 2-3 साइट्स हैं मेरे पास, जैसे कि टेप प्रिंटिंग, अभी देखो मेरे को नहीं पता तो मैं तो सीधे गूगल कर रहा हूँ टेप प्रिंटिंग, तो यहाँ पर आ गया प्रिंट माई टेप। अब देखो ये किसी ने बनाई हुई होगी वेबसाइट, ऑटोमेटिकली उसने स्कैन करा, वो मेरे को दे दिया। अब अगर मैं प्रिंट माई टैप पे जा रहा हूँ, मेरे को ये समझना है कि भाई मेरे को सिंगल बॉक्स चाहिए, वन टैप का सिंगल कलर, तो क्या प्राइस आएगा, क्या है क्या नहीं है, कितने माइक्रोन्स में, ये सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं प्रेफर भी करूँगा किसी ना किसी को आगे चल के, पर ये चीज़ करो आप, वाइट के ऊपर जब अपना टैप लगाओगे ना, अपनी लेबलिंग मार्केटिंग, तो वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि पैकिंग मटेरियल लेना कहाँ से, क्या प्रोसीजर करना है। कॉरोगेटेड में भी यही बोलूंगा कि वाइट कॉरोगेटेड, नॉर्मल कॉरोगेटेड बनाओ अपने लोकल मार्केट से। दिल्ली के अंदर हो तो भाई आप तो मतलब सब मिल रहा है दिल्ली में, नहीं हो तो दिल्ली से मंगवाओ। कैसे मंगवाओगे, उसका तरीका ये है, INDIA MART मार्ट, इंडिया मार्ट, ठीक है ना, इंडिया मार्ट पे जाओ। देखो धंधा कर रहे हो ना, धंधा करने का सिंपल तरीके होते हैं, आप किसी भी बंदे को पैसा डालोगे, उसके अकाउंट में डालोगे, करंट अकाउंट होना चाहिए, आप बेफिक्र होगे, उसको थोड़ा सा देख लो दिल्ली में कहाँ है क्या है, गूगल कर लो, मिल जाएगा, ठीक है ना। आप 1,000 रुपये का सामान मंगवाओ, 1,000 रुपये कहीं नहीं डूबते, ना कुछ जाना होता, इंसान का माल आएगा। वही जो चीज़ आपको वहाँ मिल रही थी, जैसे अभी ये 17-11 का है, मैं आपको केजीज में दिलवाऊंगा यही आइटम। देखो 130 रुपये केजी, मेरे को पता है कि ये जो बैग होता है 700 ग्राम में 100 आते हैं, 130 में करीबन करीबन 130 ही होंगे, 1 रुपये का एक पड़ेगा, और भी कम का पड़ेगा, है ना। तो ये जब चीज़ आपको पड़ रही है ना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये हेयर योर डिज़ाइन, ये तो आपको डिज़ाइन भी बना के दे रहा है आपका, है ना। तो बगर और भी बहुत सारे सिस्टम आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ही से आप मंगवा लो, वो आपको और सस्ता पड़ेगा, मगर ये क्वांटिटी मांगते हैं, वो लोग क्वांटिटी नहीं मांगते। टेप के लिए भी आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट की पैकिंग भी मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है समझने का, टेप से लेके हर एक चीज़ इंडिया मार्ट से ले लो, ये अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।